जय मिथिला, हम स्नेहा जौहर, अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। मिथिला मिरर में आई हम अहाँ सबके स्वागत कर रहल छी खादी मॉल पटना से। एतय आई से 10 दिवसीय राजस्तरीय मिथिला पेंटिंग यानी मधुबनी पेंटिंग के आई से शुभारम्भ छे, जे 15 दिसंबर 2021 से 24 दिसंबर 2021 तक एतय चलत। और एकर आयोजन जे छे से उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा करायल जाते है। और एखन हम खादी मॉल के बाहर छी और एक आब हम सब अंदर चलब। और एक बाद जे जे प्रतिभागी सब छथि तिनका सबके निबंधन जे छै से अंदर में भ रहल है, चलब और हुनको सबसे बात करब। और जे जत रजिस्ट्रेशन भ रहल छै हुनको सबसे बात करब और जानब जे कोन एम लऽ कऽ या कोन उद्देश्य लऽ कऽ ई मधुबनी पेंटिंग के जे छै से ई करायल जाते है। और एतबे नहि, अपने सब सुनते हेबै और सुनि रहल छियै जे मधुबनी पेंटिंग मिथिला के ई पेंटिंग कतेक नाम कऽ रहल अछि, सिर्फ राज्य स्तर पर नहि बल्कि एहि बार जे पद्मश्री अवार्डी छलथि हैं दुलारी देवी सेहो राटी सँ बल्कि मधुबनी सँ छथि। और लगभग जे छै से बहुत रास गोटे एहिमे अपन कलाकारी देखबैत छथि। लगातार हमसब देखै छी जे मधुबनी पेंटिंग सिर्फ अपन भारते टा मे नहि बल्कि आन देश सबमे सेहो जगह जगह एकर म्यूजियम और कार्यालय बनायल गेल अछि और बहुत रास जे जे ख्याति एहि पेंटिंग सँ भेट रहल अछि। तऽ लगातार एहि तरहक जे प्रतियोगिता छै से करवा कऽ जे स्टूडेंट सबके या मिथिला मधुबनी पेंटिंग के निहार सबके जे एकटा लगभग खुशी देल जाइ छनि या एहिमे भाग लै के जे मौका देल जाइ छनि, इहो एकटा बड़का बात छै। तऽ चलब अंदर और ओतऽ जाकऽ जे छै से बात करब जे रजिस्ट्रेशन जे ऑफिस छै ओतऽ जे कोन उद्देश्य या फिर कोन तरहक मन में बात लऽ कऽ एहि तरहक प्रतियोगिता होइत अछि। और लगभग एतेक रास जे प्रतिभागी एतऽ आयल छथि ओ सब की सोचि कऽ एतऽ आयल छथि, बहुत गोटे जे छै से सोचने हेतथि जे और लगभग बहुत गोटे एहिमे भाग लै छथि, ताहिमे सँ केओ गोटे पहिल जे पुरस्कार छै से प्राप्त करै छथि। और एखन सँ लऽ कऽ 10 दिन धरि एतऽ 10 सँ 4 बजे तक लगातार एतऽ पेंटिंग करतथि ओ सब। ताहिके बाद जे छै से एकर पुरस्कार के जे घोषणा हेतै से अलग छै, लेकिन एहिसँ पहिले हमसब चलै छी और अंदर जाकऽ जे छै से बात करै छी रजिस्ट्रेशन ऑफिस मे चलि कऽ। देख सकै छी अपने सब जे एतऽ जे प्रतिभागी सब छथि तिनका सबके ई भीड़ छनि या हुजूम कहि सकै छियै जे अलग अलग गाँवसँ अलग अलग जगहसँ एतऽ आबि कऽ जमावड़ा छनि। और एहिके बाद जे छै से 10 बजेसँ आजका शुरुआत छै, आइ शुभारम्भ छै मधुबनी पेंटिंग के प्रतियोगिता के जे राजस्तरीय आइसँ शुरुआत भऽ रहल अछि और 24 दिसम्बर धरि होयत। और कोशिश करै छी हिनका सब गोटे सँ किनको सँ बात करी किछु गोटे सँ जे की सोचि कऽ, और बहुत रास मन मे इच्छा लऽ कऽ लोक आबैत छथि और लगभग जिनकर जतेक लेवल छनि ओहिमे ई जरूर लोक कम्पिटिशन जहन प्रतियोगिता मे भाग लै छै लोक तऽ जरूर ई सोचै छै कि प्रतियोगिता के जे विनर छै से हम ही होयब और अपन पूरा जान प्राण लोक लगबैत अछि। तऽ कोशिश करै छी जे चली और हिनका सब सँ किछु गोटे सँ बात करी और जानियनि जे कतऽ सँ आयल छथि, सब गोटे अलग अलग जगह सँ अलग अलग गाँव सँ और अलग अलग जिला सँ आयल छथि। तऽ बात करै छी हिनका सबसँ और पूछै छियनि जे के कतऽ सँ आयल छथि और की कतेक तरहक जे छै से लोक कतेक तरहक दिक्कत उठा कऽ सेहो एतऽ आबै छथि। तऽ हमरा लागैए कि एतऽ जे छथि एक गोटे के शायद हम चिन्ह रहल छियनि कोयलकसँ छथि और मिथिला मिरर मे अहाँके स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कते गोटे से एलिय अहाँ सब एतऽ और आइसँ ई 10 दिन तक ई प्रतियोगिता चलते तऽ केहन लागि रहल छै मन मे और की मन मे सबके आकांक्षा रहै छै जे हम प्रतियोगिता मे भाग लै लए एलहुँ हँ तऽ किछु ने किछु जे छै से विनर बनि कऽ जाय, तऽ केहन लागि रहल छै? ई एकटा अपन मिथिला पेंटिंग के परीक्षा पहिने नहि होइ छलै हँ लेकिन हमसब भाग नहि लै छलहुँ हँ, आब लै छी हमहुँ सब। आ ई एकटा सब कलाकार के बड़ उत्साह होइ छै कि जे हम सफलता हमरा भेटै, स्टेट एवार्ड राज्य पुरस्कार छियै, तऽ सबके एकटा नव जुनून छनि जे परीक्षा एते ठंडा महीना छै, 15 दिसम्बर भऽ गेल छै, तैयो छोट छोट बच्चो लोक के देखलियनि हँ जे कतेक महिला लोकनि एली हँ और सब युवा वर्ग सँ लऽ कऽ आ जे लड़की सब सब एलखिन हँ दूर दूर सँ एलथि हँ, सब सबके खूब पैघ जुनून अपन मन मे छै नहि सफलता हमरा प्राप्त हेतै, अपन मेहनत के साकार करै लए सब आबि गेलियै। बड नीक अनुभव लागि रहल अछि आबि कऽ हमरा सबके, एक दोसरा के पेंटिंग देखऽ के मौका तऽ भेटै छै, एहिसँ सीखऽ के मौका भेटै छै, अपना आप मे कॉन्फिडेंस होइ छै, तऽ बहुत नीक अनुभव भऽ रहल अछि एहिसँ हमरा सबके। हमसब अपन कोयला गाँव सँ लगभग अखन 12-13 टा कलाकार एलहुँ हँ। कखन एलियै, मतलब रातिमे आयल हेबै फेर एतबै जी? रातिमे हमसब 9:45 मधुबनी से बस पकड़लियै आ एतऽ हम 2:30 बजे पहुँचलियै, 2:30 बजे रातिसँ हमसब एतऽ से बैसल छियै।
की कह जाए जिन जे सब नव नव एखन सीख रहल छथि या एहिमे इंटरेस्ट देखा रहल छथि तऽ हुनका सब लए की कह चाहै छियनि जे ई प्रतियोगिता मने ई मिथिला पेंटिंग मे कतेक इंटरेस्ट लेनाइ सही छै? बहुत हद तक सही छै, 100% सही छै। मिथिला पेंटिंग के बहुत क्रेज बढ़ि गेल छै, आइ तऽ रोजी रोटी के नव आयाम भऽ गेल छै। ओ महिला घर मे बैसल बैसल कमा सकै छथि, युवा वर्ग बाहर घर सँ से कमा सकै छथि। अहाँके मिथिला पेंटिंग एहन चीज छै जे केओ बेरोजगार नहि रहत, एकर बढ़ावा हेबाक चाही। आ बहुत लोक के मन मे ई भावना भेल, तैं लोक कलाकार एते बढ़ि रहल यऽ। मिथिला पेंटिंग के कलाकार खूब बढ़लै यऽ, एहिसँ रोजी रोटी एकर आमदनी देख कऽ आ सङ्गे सङ्गे अपन संस्कृति अपन कला के अपन कल्चर के बचाव से एकटा हमर सबके धरोहर कायम रहि जेतै। देख सकै छियै बहुत नीक गप कहलथि हैं जे रोजी रोटी संग संग जे छै से अपन कला और संस्कृति के जे कायम राखा के बात छै सेहो एक टाइम मे आबि जाइ छै। और लगभग अहाँ भीड़ देख कऽ ई बुझि सकै छियै जे कतेक रास लोक एहिमे इंटरेस्ट लऽ रहल छथि और युवा जे छथि से और बढ़ि चढ़ि कऽ एहिमे हिस्सा लऽ रहल छथि। हम कोशिश करै छी किछु गोटे सँ और बात करऽ के जे कतय सँ एलथि और कतेक दूर सँ जे छै से दिक्कत शिकत उठा कऽ एतय एलथि और एहि प्रतियोगिता मे भाग लेता है। की नाम छे अहाँके चाची? मेघा झा। कतऽ सँ एलिया ई प्रतियोगिता मे भाग लेला? कतेक दूर सँ? कोयलख से लिया, मधुबनी से। कोयलख सँ? हम कोयलखे सँ आयल छी। कते दिन सँ पेंटिंग सीखै छियै या फिर सिखाबै छियै? हम बहुत पहिले सिखने रहियै, ओ हमर बेटी छै और हमर हेमा झा ई हमर मतलब छोट भौज भाउज लगती तो हिनका स्टेट भेट गेल छनि ई हेमा झा। हाँ, अहाँके नाम हेमा झा छै? हमर हेमा झा अइ, हमर कोयलक सासुर और कोयलखे नैहर और हमरा 2016-17 मे स्टेट अवार्ड भेटल अइ और हम अखन अपन भगिनी ननद के लऽ कऽ एतय आयल छियनि स्टेट अवार्ड दियबा के लेल। अहाँ स्टेट अवार्डी छियै तऽ केहन की लागि रहल अइ कि अखनका जे यंग जेनरेशन छै तकरा से सब जते इंटरेस्ट मे लऽ रहल छै तऽ कतेक जे ई कतेक रोजगार के सृजन कऽ रहल छै और कतेक अपन कला संस्कृति के जे छै से कायम राखऽ मे ई फलीभूत भऽ रहल छै? ई तऽ बहुत नीक कला छै, हमरा हिसाबसँ तऽ एहिके मतलब कोनो अथिए नहि छै। अगर एहिसँ जे केओ जुड़ऽ चाहै छथि तऽ हुनका आगाँ जा कऽ बहुत किछु भेटनाइ छनि आओर जतेक अहाँ तऽ भीड़ एतऽ देखे रहल छियै जेकि जे केओ बुझितो नहि रहै जे स्टेट अवार्ड की होइ छै और आइ स्टेट नेशनलके लेल एतेक और हर केओ जे सीखने छथि से बेरोजगार नहि बैसल छथि, किछु ने किछु रोजगार और आगाँ बढ़ैके बहुत आगाँ अथी छै। अहाँ जे स्टेट अवार्ड भेटल रहा तऽ की थीम छलै अहाँके मिथिला पेंटिंग? कृष्णलीला थीम छलै, कृष्णलीला। बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ देख सकै छी अपने सब जे स्टेट अवार्डी छलै तऽ 2016-17 के और लगभग जे छै से कहि रहल छथि जे युवा वर्ग जे एहिमे उत्साहित भऽ कऽ भाग लऽ रहल छथि तऽ ई बहुत नीक बात छै। की नाम अछि? आसना कुमारी। कतयसँ एलियै? बेनीपट्टी। बेनीपट्टीसँ? तऽ कखन आयल हेबै, मने दिक्कत सिक्कत उठा कऽ एतय एलियै तऽ कतेक इंटरेस्ट छै या फिर अहिना पेंटिंग इंटरेस्ट छै? हमरा सबके दुनिया छै पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग दुनिया छै, सीखै छियै? हाँ, बनबै छी आब हमसब। कतेक सालसँ? हमसब 3 सालसँ बनबै छियै। तऽ केहन लागि रहल छै जे अपन सबके धरोहर के आगू लऽ जा रहल छी अहाँ सब, चूँकि ई सब अपन सबके माँ काकी सब बहुत पहिले सँ करैत छलखिन, आब एते जे छै से ई फ्लैश मे एलै, पहिले एते फ्लैश मे नहि छलै, तऽ केहन फीलिंग भऽ रहल? बहुत बहुत मतलब एक्साइटेड। पहिले लागि रहल छै कि विनर हेबै हमही? पता नहि, जे भी प्रतियोगिता मे भाग लै छै ओ तऽ ई सोचते छै कि हमही विनर है, लेकिन पता। देख सकै छी अपने सब जे लगभग सब गोटे अलग अलग जगह सँ, केओ बेनीपट्टी, केओ कोयलक और अलग अलग जिला सँ अलग अलग जगह सँ सब गोटे एतऽ आबै छथि और ई बहुत नीक लागि रहल छै कि अपन कला अपन संस्कृतिके बढ़ावा दै मे। और ठीक कहलथि ओ स्टेट अवार्डी जे पहिले पतो नहि छलै जे स्टेट अवार्ड कहिकऽ कोनो चीज होइ छै, लेकिन आब जे छै बहुत बेसी विख्यात भऽ गेल अछि मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग और लगभग एतबा नहि ई राज्य स्तरीय सँ लऽ कऽ पद्मश्री तक मिथिला मधुबनी मिथिला के लोग पहुँच रहल छथि और लगभग देख सकै छी अपने सब जे कतेक रास ख्याति भेट रहल छनि। चलै छी हमसब जतऽ निबंधन कयल जा रहल छै, आइ पहिलेसँ फॉर्म भरायल गेल रहै आओर आइके जे गोटे छूट जाइ छथि या फिर नया आबै छथि तिनका सबके निबंधन सेहो होइत छनि आओर एहिके बाद जे छै से 10 बजेसँ एतऽ आइसँ ई प्रतियोगिताके शुभारम्भ हैत। तऽ हमसब चलै छी जतऽ निबंधन कयल जा रहल छै। आब हमसब 3rd फ्लोर पर छी और जतेक भी प्रतियोगी छथि प्रतिभागी सबके 3टा फ्लोर पर बैसायल गेलनि हँ। सबके एकटा सीरीज नम्बर छै, ओहिके अनुसार जिनका सबके नामांकन
भऽ चुकल रहनि, इन द सेंस निबंधन भऽ चुकल रहनि, हुनका सबके पहिले बैसायल गेलनि हँ आओर जिनका सबके आइ रजिस्ट्रेशन भेलनि हँ हुनका सबके कनि लेटसँ जे छै तकर कार्य जे छै से चलि रहल छै। मधुबनी पेंटिंगके जे ई प्रतियोगिता भऽ रहल अछि से संस्थान द्वारा जे भऽ रहल अछि उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना द्वारा, आओर ई 10 दिनके जे ई प्रतियोगिता छै ताहिमे सब गोटे जे छै जे जे बहुत दूर दूरसँ आयल छथि, अलग अलग गाँवसँ, आब अपन अपन सीट पकड़ि लेने छथि, अपन अपन जगह लऽ लेने छथि आओर धीरे धीरे अपने सब देख रहल छियै जे सब चेयर लगा कऽ एकटा टेबल देल गेल छनि आओर सबके अपन अपन प्लेस देल गेल छनि बैसल सीरीज नम्बरके हिसाबसँ, आओर सब गोटे जे छै से आब अपन एकर स्टार्ट कऽ चुकल छथि। बॉर्डर जे जे मिथिला पेंटिंगके मेन जे स्टार्टिंग होइ छै शुरुआत जे बॉर्डरसँ शुरुआत कयने छथि आओर सब अपन अपन काजमे लागल छथि, आओर अपनेसब देख रहल छियै जे 3 टा फ्लोरपर जतेक गोटे आयल छथि दूरसँ, अलग अलग गाँवसँ, अलग अलग जगहसँ, अलग अलग जिलासँ, सबके एतऽ नीकसँ व्यवस्था मैनेजमेंट टीम द्वारा के कतऽ बैसतथि, केना बैसतथि, शीट पर साइन भेलै कि नहि, साइनिंग अथॉरिटी जिनकर छलनि ओ साइन कऽ कऽ लगभग सबके बैसा कऽ एतऽ जतेक प्रतियोगी आयल छथि, सबसँ नीक बात होइ छै कि एखन सबके मनमे इएह छै जे जेहो प्रतियोगितामे भाग लै छथि चाहे हम रही या फिर केओ आओर लैथ तऽ हुनका इएह होइ छनि कि विनर हम ही होइ, आओर जान प्राणसँ जे छै ई 10 दिन एखन सब गोटे अपन पेंटिंग पर लगेतथि, बॉर्डरसँ शुरुआत होइत बड़का बड़का पेंटिंग केओ साड़ी, केओ कार्डबोर्ड पर, केओ कैनवास पर, केओ हैंडमेड पेपर पर, तऽ लगभग जिनका जे पर सुविधा होइ छनि या जे तरहके बनेबाक छनि सब अपन अपन थीम लऽ कऽ, संस्थान द्वारा कोनो थीम नहि देल जाइ छै, सब अपन अपन थीम पर काज करै छथि, तऽ 10 दिनमे एकरा कम्प्लीट कऽ कऽ जे छै 24 के सबमिशन हेतै ओकर, आओर ताहिके बाद सब अपन अपन घर जेतथि, ताहिके बाद जे हिसाबसँ संस्थानके आओर सरकार द्वारा जे विनर घोषित कयल जेतै जतेक गोटेके नाम रहतनि तिनका पुरस्कार भेटतनि, आओर एहि दुआरे जे छै लगन देख सकै छी। आओर सबसँ नीक बात छै कि सिर्फ एहिमे रोजी रोटी टा नहि, मधुबनी पेंटिंग एखन सिर्फ रोजी रोटी टा नहि आओर एतेक अपन जे कला छै, अपन जे संस्कृति छै तकरा आगू बढ़ा रहल अछि। ई पेंटिंग आइसँ नहि बल्कि युगोसँ जे छै हमर सबके माँ काकी सब करैत एलथि, हँ तखन एतेक फ्लैशमे नहि छल, एतेक क्रेज नहि छल एहि चीजके, एतेक नाम बाहर तक नहि पहुँचल छलै, लेकिन करैत केनाइ जे छै से वएह माँ काकी बहुत युगोसँ सिखबैत एलखिन हँ, तकर ट्रेंड चेंज भेलैए, तकर फॉर्म चेंज भेलैए, लेकिन मधुबनी पेंटिंग अपन कला, अपन संस्कृति, अपन मिथिलाके जे छै बहुत पुरान जे जड़ छै जकरा एखनके जे जनरेशन छथि, यंग जनरेशन आगू लऽ जा रहल छथि। हमसब कोशिश करै छी आओरो जे 2 टा फ्लोर छै तहियो तक चलै छी, आओर जतेक स्टूडेंट छथि अहाँसब देख सकै छियै जतेक गोटे आयल छथि प्रतियोगी सब, से सब गोटे अपन अपन काजमे लागल छथि, मैनेजमेंट टीम लगातार एतऽ छथि जे सब ध्यान राखि रहल छथि जे कोनो तरहक डिस्टर्बेंस नहि होइ, शीट जे छै से सबके साइन भऽ गेल होइ, आओर शीट एतऽसँ एक किछु किछु नियम छै जे क्राइटेरियाके अहाँके फुलफिल करऽ पड़त, जे शीट साइन भेलाके बाद जे छै शीट बाहर नहि जेतै, अहाँ 10 से 4 एतऽ बैसि कऽ पेंटिंग करबै, शीट आओर अहाँ अपन जे चीज छै से एतऽ राखि कऽ जेबै वापस, फेर काल्हि अहाँ 10 बजे अयबै, 10 से 4 एतऽ पेंटिंग करबै आओर लगातार 10 दिन तक जे छै एहिपर काज करबै 24 तारीख कऽ सबमिशनके बाद, ताहिके बाद अहाँ इंतजार करबै जे अहाँ विनर होइ छियै या नहि, या फेर अगला साल फेरसँ अहाँके अयबाक अछि। तऽ चलू हमसब चलै छी दोसरो फ्लोर पर, आओर जे आओर दुनू फ्लोर पर जे प्रतिभागी सब छथि, प्रतियोगी सब, हुनका सब तक, आओर देखै छी जे कतेक केना की ओतऽ मैनेजमेंट छै ओ दुनू फ्लोर पर। देख सकै छी अपने सब जे 3rd फ्लोरसँ हमसब आब 4th फ्लोर पर आबि गेल छी, आओर एतुको जे मैनेजमेंट छै से पूरा तरहसँ जे छै पुख्ता मैनेजमेंट कहि सकै छियै, जे मैनेजमेंट टीम एतऽ सब चीजके ध्यान राखि रहल छथि, सबके सीट पर साइन भऽ रहल छै, आओर लगातार जे नियम सब छै तकरा फॉलो करू, जे अहाँके सीट पर साइन भऽ गेल तऽ अहाँ बाहर नहि लऽ जा सकै छी, आओर सब जे छै से बॉर्डर जे अपन सबके मिथिला पेंटिंगके कहबे केलहुँ हँ, सबसँ पहिल काज जे बॉर्डर होइ छै ताहिमे सब एकदम मग्नसँ लागल छथि। बता दी कि एकर एकटा साइट छै umsas.org.in, एहिपर जे छै से एकर पूरा इन्फॉर्मेशन रहै छै, आओर ई जे संस्थान छै एहि द्वारा पूरा ई प्रतियोगिता एतेक नीकसँ करायल जाइत अछि, जकर मैनेजमेंटके जे दृश्य छै से अपनेसब देखे सकै छी। हम कोशिश करै छी जे किछु जे स्टूडेंटसब छथि जे सब आयल छथि प्रतियोगीसब, हुनका सबसँ बात करी। हाँ, आओर सबसँ नीक बात ई छै कि जे एतुका मैनेजमेंट टीम छथि तिनका अनुसार जे महिलाके जे संख्या छै से बेसी छै एहि प्रतियोगितामे, 95% कहि रहल छथि लगभग महिला छथिन, आओर जे 400+ स्टूडेंट छथि प्रतियोगी ताहिमे लगभग 95% जे छै से एहिमे महिला छथि, आओर पुरुषके जे संख्या छनि से कनि कम छनि, लेकिन दूर दूरसँ, अलग अलग जिलासँ आबि कऽ, अलग अलग जगहसँ आबि कऽ एतऽ 10 दिन तक रहि कऽ एक तरहके तपस्या कहि सकै छी, आओर ताहिके बाद
ई सब जे छै से 10 दिन तक एतक करतैत पेंटिंग देख सकै छियै सब एकदम मग्न सँ जे छै से अपन पेंटिंग मे बॉर्डर बनबै मे लागल छथि 10 दिन तक एहि पर काज करतैत और स्केचिंग चलि रहल छै अपने सब देख सकै छियै जे हम कोशिश करै छी जे किछु गोटे सब बात भऽ सकै जे कतेक दूर दूर सँ ईसब आयल छथि लगभग नीचो मे हमसब एक दू गोटे सब बात केलहुँ केओ बेनीपट्टी केओ कोइलख केओ कतौ और सँ तऽ मैनेजमेंट टीमो सबके देख सकै छियनि लगातार एतऽ छथि ओना तऽ ई जे प्रतियोगिता छै ताहिमे कोनो तरह कोनो बाउंडेशन नहि छै अपने सब देख सकै छियै जे एकटा लड़की छलथि हम बात करैके कोशिश केलहुँ पर ओ बाजि नहि सकै छथि लेकिन हुनकर ई निष्ठा देखियौ ने अपन पेंटिंगके लऽ कऽ जे दूरसँ आबिकऽ जे छै से एहिमे लागल छथि आओर इएह कहै छै लोक कि अहाँके कोनो भी कमी जे छै अगर अहाँमे टैलेंट अछि तऽ तकरा नहि रोकि सकैत अछि अगर अहाँके टैलेंट अछि तऽ अहाँके कोनो कमी तकरा दबा नहि सकैत अछि अहाँ किछु कऽ सकै छी अगर अहाँके मनोशक्ति अछि तऽ लगभग कोशिश करै छी हम एकटा दीदी छथि हुनका सब बात करै छी की नाम अछि दीदी अहाँके मंजू कर्ण कतऽ सँ एलियै पेंटिंग प्रतियोगितामे भाग लेल मधुबनी जिला रसिदपुरसँ रसिदपुरसँ केहन लागि रहल अछि मने ओतेक दूरसँ तऽ आबि कऽ एहिमे भाग लऽ रहल बहुत सुन्दर की लागै छै जे पेंटिंग बना कऽ प्राइज भेट जेतै प्राइज तऽ नहि भेटतै लेकिन चाहबै जे प्राइज भेट जाय मेहनत करबै जरूर कतेक सालसँ पेंटिंग बनबै छी कहलहुँ 10-12 साल सँ बनबै छै सिखैबतो हेबै बहुत गोटे के बच्चा सबके हमरा लागै छै मने अपन कला अपन संस्कृति के आगू बढ़ाबै बहुत सुंदर हर रोजियो रोटी चलै छै चलै छै देख सकै छी अपने सब जे कहलथि हँ जे चाहबै जे हमरा भेटै आओर लगभग ई सही छै जे भी भाग लेतै तकरा तिनका लगतनि जे हमरा भेटै तऽ हम शुभकामना दै छियनि जे लोकनि एहिमे लागल छथि तिनका सबके भेटनि आओर कोशिश करै छी किछु गोटेसँ एकटा काकी आओर छथि दाई हम हुनका सब बात करब की नाम छै दाई अहाँके मंजू पाठक अहाँके उम्र देख कऽ लागि रहल अइ हमरा बहुत दिनसँ पेंटिंग करैत हेबै जी मैडम कतेक दिनसँ करै छी कतेक साल 91 सँ हम काज करै छी 91 सँ पेंटिंग पर काज करै छी आ स्टेट अवार्ड मे एहिमे कते दिनसँ भाग लै छी एहि लगा कऽ हम चौथा बेर बैसलहुँ ओहिसँ पहिले नहि बैसै छलहुँ पते नहि रहै छलै आब पता धीरे धीरे लगभग केहन लागै छै मने अहीं सब छियै ओ पिलर ओ खाम कहै छै जे ओहि युगसँ जे छै से लगभग अपन जे कला संस्कृति छै तकरा आगू बढ़ा रहल छै तऽ केहन लागि रहल छै जे आइके जे नवयुवक सब छथिन या युवती सब छथिन ओहो सब एहिमे ओतबा इंटरेस्ट लऽ रहल छथिन बहुत बढ़िआँ इंटरेस्ट लऽ रहल छथिन आइके बच्चा सब बहुत बहुत पढ़ल लिखल सब छथिन हुनका एहिमे बहुत रुचि छनि आओर जे आओर पढ़ल लिखल छथिन से हुनका आओर रुचि छनि एहिमे अहाँ कतऽसँ एलियै दाई हम सतलखा पाठक टोलसँ एलियै रहिका मधुबनी ओते दूरसँ एलियै तऽ रहबै 10 दिन घर द्वारि छोड़ि कऽ बिल्कुल देख सकै छी अपने सब जे एक तरहसँ कहि सकै छियै जे अहाँ एतऽ अलग अलग जेनरेशनके जे छै से अहाँ छवि देख सकै छियै ई दाई छलथि आओर एहिके बाद जे नवयुवक नवयुवती सब छथि सेहो सब लगातार एहिपर काज कऽ रहल छथि आओर मोन लगा कऽ काज कऽ रहल छथि 91 सँ कहलथि हँ मिथिला पेंटिंग बनबै छथि लेकिन ई 4म बेर छियनि जखन ओ स्टेट अवार्डमे बैस रहल छथि तऽ समझि सकै छियै कि कर लोक बहुत युगसँ बहुत सालसँ छथि बहुत दशकसँ छथि लेकिन ताहिके बाद जे छै एखन आब एहिसब चीजके जे वैल्यू बढ़लैए जे इम्पोर्टेंस बढ़लैए ताहिके बाद आओर जे छै यंग जेनरेशन एहिमे बेसी इंटरेस्ट लेबऽ लगलखिन हँ आओर ताहिके फल ई छियै जे आब ओहि उम्रमे आबिओ कऽ एहिमे रुचि एहिमे आबि कऽ 10 दिन बैसि कऽ एहि उम्रोमे एतऽ कम्पिटिशनमे भाग लेनाइ आओर तखन फेर ई आशा केनाइ जे हमहूँ जे छै से विनर या स्टेट अवार्डी कहब तऽ ई एकटा बहुत बड़का जे छै हमरा सबके छवि देखऽ लए भेट रहल अछि जे एक जेनरेशन दोसर जेनरेशन आओर लगभग जे छै एक दू पीढ़ीके एक साथे देखनाइ आओर एक एक काजमे लिप्त देखनाइ ई अपनामे एकटा बहुत बड़का बात छै एखन हमरा साथे उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसन्धान संस्थान पटनाके पदाधिकारी छथि रोमिला हिनकासँ पुछबनि जे कम्पिटिशन जे प्रतियोगिता राखल गेलैए तकर उद्देश्य की छै चलू बहुत बहुत स्वागत अछि अहाँके मिथिलामे ये जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन रखा है मधुबनी पेंटिंग का पर्पस यही है जो भी मिथिला डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कलाकार हैं उनको एक वे मिल जाए एक रास्ता मिल जाए एक अगर हमारे जैसे स्टेट अवार्डी हो जाते हैं तो ये एज अ टीचर ट्रेनर अपॉइंट हो सकते हैं हम लोगों के संस्थान के थ्रू इनको प्रोडक्शन करने में जो सामान बनाएंगे ये ईज़िली मार्केटिंग इनकी हो सकती है और एक पहचान मिल जाता है
हर एक कला में, हर क्षेत्र में पहचान ज़रूरी है। तो इस पर्पस से उपेंद्र महारथी ने स्टेट अवार्ड कंपटीशन रखाया है कि हर, आप देखेंगे 14 क्राफ्ट्स में यहाँ पे कंपटीशन रखा गया है। मधुबनी पेंटिंग में हमारे ज़्यादा, एक तो हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा है और हमारे आर्टिस्ट ज़्यादा हैं, 1,00,000 से भी ज़्यादा हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आर्टिस्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें से एक अच्छे, जो कलाकार इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, उनको एक वजूद और एक रास्ता मिल जाए, जो हमारे कला को बढ़ाने में ईजी एक रास्ता हम दे पाएँ। उपेंद्र महारथी की तरफ से यही हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब प्रोत्साहन कह सकै छियै जे केओ करै छै तकरा एकटा लेवल पर लऽ जेनाइ, जे ओकरा स्टेट अवार्डी बना देनाइ, जे ओकर वैल्यू और बढ़ि जाइ छै। तऽ जे सब एहिमे क्राइटेरिया के फुलफिल कऽ जाइ छथि 10 दिन के बाद, जे सब विनर होइ छथि, तऽ तिनका सब लए की छनि, मने की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होइ छै और की तरहक ई राखल? प्रथम जे आबै छै हुनकर 50,000 के प्राइस हमरा उपेन्द्र महारथी के तरफ से देल जाइ छै, जे ये मेरिट रहै छै उनका 25,000 के अमाउंट हम देल जाइ छै। हाँ, और ओकर साथ सर्टिफिकेट रहै छै, और जे प्राइस के साथ हमरा के तरफ से सील्ड रहै छै एगो। हाँ, और उन सब के मेन लिस्ट में आबि जात, जो ट्रेनिंग लिस्ट जे छै उपेन्द्र महारथी में, ओहिमे नामांकित भए जाइ छै। क्या गोटे के सिलेक्शन होइ छै? मान लियो एतऽ 400+ हमरा लगे कैंडिडेट अलै था, तऽ क्या गोटे के एमे सिलेक्शन? एमे एहन बात नहि छै, कोई नम्बर फिक्स नहि छै कि कितना नम्बर सेलेक्ट हेतै। ओहिमे तऽ कमिटी रहै छै बाहर से, हमरा आरके कमिटी बोलबै छियै, ओ कमिटी के थ्रू सेलेक्ट कयल जाइ छै। धन्यवाद अहाँके मिथिला मिरर के टाइम दै लेल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देख सकै छी अपने सँ सहरसा सँ छथि आओर लगभग जे छै से पहिले कहलथि, कनि हिचकिचाइत रहथि, मैथिली मे बात करलथि, लेकिन एट द एंड मैथिली तक पहुँच गेलथि। तऽ चलै छी हमसब 5th फ्लोर पर, आओर ओतुका जे मैनेजमेंट छै सेहो अहाँ सबके देखायब जे कोन तरहक मैनेजमेंट कयल गेल छै आओर कोन तरहक व्यवस्था छै। आब हमसब 5th फ्लोर पर आबि गेल छी आओर लगभग 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर आओर 5th फ्लोर जाहि तरहक मैनेजमेंट छै से अपने सब देख सकै छियै, जे सबके लगभग मैनेजमेंट टीम हर फ्लोर पर छथि आओर लगभग काज कऽ रहल छथि, जे शीट साइन हेबाक चाही, जे क्राइटेरिया छै, जे रूल छै, तकरा फॉलो करैत जे छै ई प्रतियोगिता के जे छै 10 दिन पूरा होइ, आओर पहिल दिन मे जे शुभारम्भ छै तकरा अपने सब देखे सकै छियै, जे लगभग शीट पर साइन भऽ चुकल छै, आओर सब केओ जे छै बॉर्डर, जे मधुबनी पेंटिंग के मेन स्टार्टिंग कहि सकै छियै, जे शुरुआत होइ छै स्केचिंग, ताहिमे लागल छथि आओर लगभग पूरा कऽ रहल छथि, ताकि काल्हि सँ जे छै फेर अपन पेंटिंग पर आओर काज कऽ कऽ लगातार 10 दिन यानी कि 24 तारीख तक एकरा सब गोटे मिलकर करतै, आओर ताहिके बाद सबमिशन हेतै। तऽ लगभग अपने सब देख सकै छियै जे बहुत रास ठामसँ एखने हमसब 4th फ्लोर पर एतेक नीक एकटा छवि देख कऽ अयलहुँ, जे एकटा दाई आओर ताहिके बाद यंग जेनरेशन, मतलब दुनू लगभग पीढ़ी, अलग अलग पीढ़ी के लोक एकरा ओतबे मोनसँ काज कऽ रहल छथि एहि पर, जते मोनसँ ओ ओहि पीढ़ीके लोक कऽ रहल छथि, ओतबे मोनसँ जे छै से एहि पीढ़ीके लोकोके अहाँ देख सकै छियै जे काज कऽ रहल छथि। हम एकटा लड़की छथि हमरा सामने, हम हिनका सब बात करै छी। की नाम अछि अहाँके? मीनाक्षी। कतऽसँ एलियै? सहरसासँ एलियै। तऽ केहन लागि रहल अछि कि मतलब ई अपन कला, अपन संस्कृतिके आगू बढ़ा रहल छी, प्रतियोगितामे भाग लऽ रहल छी? बहुत अच्छा लागि रहल छै, बहुत सुनहरा मौका मिललैए हमरा ई कॉम्पिटिशनमे आबै लए। कतेक दिनसँ पेंटिंग करै छी? 4 साल से हम फाइन आर्ट्स करै छियै और मतलब मिथिला पेंटिंग में करै छियै। अच्छा, कतौ सीखने छियै या फिर अपने? मिथिला पेंटिंग तो मुक्ति भाभी मुक्ति झा जी से सीखने छियै। जी, आप सिखाइब तो छियै अपना और ई चीज के बढ़ावा दऽ रहल छियै या फिर? बिल्कुल। की लागि रहल छै कि मतलब पेंटिंग ई प्रतियोगिता में भाग लऽ रहल छियै, कतेक नीक लागि रहल छै जे भऽ सकै छै अहाँ स्टेट अवार्डी रही? बहुत अच्छा लागि रहल छै, बहुत कुछ सीखे लए मिललै, जीत या हार तऽ लागले रहते, लेकिन सीखना बहुत जरूरी छै, तऽ सबके पेंटिंग देखे देखे बहुत कुछ सीखने के मिलते आगू। बहुत नीक बात, देख सकै छी अपने सब जे कहलथि हैं, जीत और हार तऽ अलग बात छै, और इएह सच छै कि जीत और हार किछु गोटे के जीत भेटतनि। की नाम छै अहाँके? हमर नाम मुक्ति झा छै। तऽ अहाँ ओ कहलथि अहाँसँ सीखने छथि, तऽ अहाँ सिखाबै छियै मिथिला पेंटिंग, और कतेक सालसँ काज कऽ रहल छियै? हम 15 सालसँ काज कऽ रहल छियै एहिमे। जी, आर ओहिमे पहिले तऽ जखन इसकुल टाइममे रहियै तहन तऽ स्लम एरियामे कनी मनी तहिया तक सिखने रहियै, बादमे फेर उपेन्द्र महारथी संस्थानसँ 2013 मे 6 महीनाके
ट्रेनिंग लेलिए तकर बाद से कंटिन्यू काज कर रहल छलिए लेकिन पिछला 3.5 साल से ऑनलाइन में सिखाबे के काज कर रहल छी किएक तऽ घर घर जाकर के संभव नहीं छै आ लोको लंग ओते सुविधा नहीं तऽ ओहि हिसाब से हम सब टेक्निकली कनिक जाकर के ऑनलाइन में सिखबे के काज कर रहल छी। केहन लागि रहल है मतलब सिखेनाइ सिखनाइ और ओहि के बाद ई प्रतियोगिता मतलब स्टेट अवार्ड बनल बहुत बढ़िया। हम एहि से पहिले 13, 14 और 15 में सेहो पार्टिसिपेट कर चुकल छी स्टेट अवार्ड में। हमरा ई प्रांगण जे छै जाहिमे सब कलाकार एक संग 150-200 लगभग कलाकार एक संग काज कऽ रहल छी ई एकटा अपना आप में बहुत ही स्पेशल चीज छै। तऽ ई जे 2 साल पहिले पार्टिसिपेट कऽ चुकल छै ई तेसर बेर छै तऽ जे सब नव एखन सीख रहल छथि तिनका सबके की अपना तरफसँ कहऽ चाहबनि जे कतेक पेशेंस राखऽ पड़ै छै मानि लिअ 2 बेर पार्टिसिपेट केलिए ई तेसर बेर छै ओतबे आशा और ओतबे मेहनत से फिर आबे पड़े छै तऽ कतेक पेशेंस राखऽ पड़ै छै। अपन काज करैत रहबाक चाही आर अवार्ड के लेल नहि काज करू हमरा विचार से पेंटिंग के रख रखाव पेंटिंग के बचाव के लेल या जे अपन ओकर जरूरत के चीज छै तै हिसाब से काज करू ओकर रिजल्ट एक ने एक दिन अपने आप आबै छै आर ओहि से घबरेबाक नहि छै जे हम लेनो भाग आ नहि भेल एक बेर 2 बेर 3 बेर जते बेर अनवरत प्रयासरत रहते अगर लोग तो जरूर एक दिन एक सफलता भेटते आर एकटा चीज खास छै ओहिमे सीखल बहुत चीज भेटै छै ओ अगर रहते तो अवार्ड के शायद अवार्ड के तो अपन एक अलग स्थान छै लेकिन जिनका सबके नहि अगर होइ छन तो ओ घबरा के नहि छै अलग अलग जगह पर ओकर उपयोगिता दिखाई पड़ै छै। बहुत नीक बात कहलथि है जे जरूरी नहि छै कि अहाँ पहिल बेर बैसलहुँ तऽ अहाँके भेट जाइ या फिर दोसर बेर में तेसर बेर में पर अवार्डे मैटर नहि राखै छै मैटर राखै छै कि अहाँ अपन जे अहाँके कला या टैलेंट अछि तकरा कते राखि पाबि रहल छी आओर ताहिपर कतेक मेहनत कऽ रहल छी आओर इएह सबसँ इम्पोर्टेंट चीज छै जे अहाँके जे टैलेंट अछि अहाँके जे कला और संस्कृति अछि तकरा लगातार ओहिपर काज करैत रहियौ आओर एक ने एक दिन जे छै तकर रिटर्नमे अहाँके फल जरूर भेटत आओर तकर एकटा बहुत बड़का ग्रेट एग्जाम्पल छथि दुलारी देवी पद्मश्री दुलारी देवी कहि सकै छियनि आप आओर लगभग जे छै हमरा लगैए जतेक गोटे एहिपर काज कऽ रहल छथि सबके जे छै अपन रोल मॉडल हुनका मानिकऽ काज जरूर करबाक चाहिए जकर एक ने एक दिन एकर फल जरूर भेटत चाहे आइ भेटा नहि भेटा एहि बेर भेटा नहि भेटा लगातार लागल रहू आओर हमरा तरफसँ सब गोटे सब प्रतियोगीके शुभकामना जे सब स्टेट अवार्ड जीतैत अपना घर अवार्ड लऽ कऽ जाइत तऽ चलै छी हमसब फेर कोनो एहने प्रतियोगिताके आँगनमे ताकि अलग अलग तरहके जे मिथिला क्षेत्रमे एहि तरहक संस्थान या एहि तरहक काज भऽ रहल छै तकर जे रिपोर्टिंग छै तकर जे कवरेज छै से लऽ कऽ हमेशा लगातार अहाँ सबके सोझा आबैत रहब काजे हमर सबके छै जे मिथिला मैथिलीके बढ़ावा देनाइ। ताबत धरि लए जय मिथिला जय हिन्द।